हेलो दोस्तों, लव गुरु के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हूँ मैं फिर कुछ नए सवालों के साथ। तो आइए शुरू करें आज का प्रोग्राम। आज का पहला सवाल है सायरा का। कहती हैं, लव गुरु जी, मेरी उम्र 40 साल है लेकिन मेरी अभी तक शादी नहीं हुई क्योंकि मैं काली हूँ। जो भी लड़के वाले मुझे देखने आते हैं या कोई लड़का मुझे देखने आता है तो मुझे रिजेक्ट करके चले जाते हैं। मेरी शादी मेरे कलर की वजह से नहीं हो पाती। अब तो समाज के लोग भी मुझे कमेंट करते हैं। हर कोई ये कहता है, बूढ़ी हो गई, शादी नहीं हो रही है, कोई पसंद ही नहीं करता है। इन सब चीज़ों में मेरा क्या दोष है, मैं क्या करूँ? सोचती हूँ कोई बिजनेस कर लूँ या जो मेरे हाथ का हुनर है, सिलाई कढ़ाई बुनाई, तो कोई बूटीक खोल लूँ ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूँ, तब शायद कोई मुझे पसंद कर ले। सायरा जी, देखिए, कलर हमारी लाइफ के लिए यानी कि शादी के लिए रुकावट नहीं बन सकता। दो ही तो कलर होते हैं, गोरा या काला। अगर आपका कलर काला है तो इसमें आपका क्या दोष? और हाँ, अगर लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, तमाशा की तरह आते हैं, देखते हैं जैसे कोई दुकान की चीज़ है, पसंद आए तो ख़रीदो वरना चले जाओ, तो ये सिलसिला बिल्कुल बंद कर दो। पहले ही बोल दो रंग काला है, आना है तो आओ वरना मत आओ। और हाँ, एक बात और, जब आपके हाथ में इतना अच्छा हुनर है तो आप बिल्कुल एक बुटीक खोलिए और अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। फिर देखना, लाइन लग जाएगी लड़कों की, फिर वो कलर मायने नहीं रखता आपके हुनर के आगे, क्योंकि आप जब बुटीक खोलेंगे, आपके पास पैसे आएंगे, तो ये लालची दुनिया सिर्फ पैसों की भूखी है, तो ज़रूर आपको फिर कोई ना कोई मिलेगा। लेकिन हाँ, फिर भी याद रखना कि लालच करने वाले इंसान से शादी मत करना। जो आपको दिल से चाहे, दिल से पसंद करे, उससे ही शादी करना, फिर आप रिजेक्ट करना। ओके, ऑल द बेस्ट, आपको आपका जीवन साथी जल्द से जल्द मिले। आज का दूसरा सवाल है रोहित का। कहते हैं, लव गुरु जी, हम दोस्तों की एक टोली है, जहाँ भी जाते हैं साथ जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन उनमें से एक दोस्त मेरा बिल्कुल भाई की तरह है और हम एक दूसरे को बहुत मानते हैं। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन हम दोनों एक ही लड़की से प्यार भी करने लगे। ये समस्या मेरे हिसाब से बड़ी मुश्किल है। हम एक तरफ नहीं हो पा रहे, समझ नहीं आता क्या करूं। ये बात मेरे दोस्त को अभी नहीं पता कि मैं भी उसी से प्यार करता हूं जिससे वो प्यार करता है। मैं क्या करूं, आप ही बताइए। रोहित जी, इस तरह के सवाल हमारे पास पहले भी आए हैं और मैंने यही जवाब दिया है। आप दोनों से प्यार करते हो, ठीक है, लेकिन ये जानने की कोशिश करिए या आपको पता है कि वो लड़की किससे प्यार करती है। तो फैसला सीधा सा है, जिससे वो लड़की प्यार करती है उसी की तरफ हो जाइए। अगर वो आपसे करती है तो आप अपनी बात आगे बढ़ाइए, प्रपोज करिए। अगर वो आपके दोस्त से प्यार करती है तो दोस्ती निभाइए, प्यार को छोड़ दीजिए, क्योंकि इस तरह आप तीन की ज़िंदगी बर्बाद होंगी और आपकी दोस्ती ख़राब हो जाएगी। पक्की दोस्ती है, उसका ध्यान रखिए। और प्यार, मैं ये नहीं कहूँगी कि प्यार गलत है, प्यार करना ठीक है, अधिकार है। हम किससे प्यार करते हैं, कोई हमसे कौन प्यार करता है, वो भी देखना ज़रूरी है। तो आप पहले जानिए, फिर उसके बाद फैसले तक पहुँचिए। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर आपके पास भी है कुछ सवाल लव से जुड़े, रिश्ते से जुड़े, तो हमें लिख भेजें।
हमारी मेल आईडी है खबर लहरिया @gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9821382999। मिलते हैं फिर अगले हफ्ते कुछ नए सवालों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।